बड़ी वो भी धक धक सी हो रही है गाड़ी में जाके खोलता हूं। सो गाइस दिस इज इट। Zomato वाला बंदा आता है, स्विगी वाला बंदा आता है, तो उनको आप एक पानी का ग्लास ऑफर कर दो ठंडा भाई, उससे वो बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा। Subscribe to YPM Vlogs and like the bell icon. Well, so what is up guys? YPM Vlogs back here. तो भाई एक जो है ना पूरे हमारे घर के सारे बेड चेंज हो रहे हैं, मतलब सारे के सारे। तो पापा मामा का बेड भी चेंज हुआ है, ये वाला उनका भी बेड चेंज हो रहा है, और जो मेरा बेड है वो तो भी बन रहा है पूरा लैम्बोर्गिनी वाला। तो दिखाता हूँ भाई कौन सा बेड अभी आ रहा है, और अभी कौन सा था वो भी आप जरा फोटो देखना। Well, so what is up guys? YPM Vlogs back here. ये देखो भाई इतनी दिक्कत हो रही है, ये खड़े अपने अंकल जी। अंकल अंकल जी ऊपर देखो क्या हाल है, ये बेड आप लेके आ रहे हो ऊपर, वो देखो भाई कैसे आ रहा है पूरा लगता। अभी तो ये नीचे तो बेड है वो गया है, वो उसमें इतनी दिक्कत हुई है, और ये तो आ रहा है। अंकल जा रहा है, आ रहा है, ये जा रहा है, तो ये जा रहा है। और नया वाला कल आएगा, उसके बाद आप वाला जाएगा। अच्छा ये जा रहा है, कैसे जाएगा अंकल देखो आप। भैया ये वाला बेड चेक करो, इसमें पूरा गोल्डन टिंट्स है, साथ में रेड वेलवेट है, तो ये वाला तो मेरे को बहुत सही लगा, ये मम्मा की प्रेफरेंस थी। मम्मा नया वाला बेड कब आएगा ये तो बताओ। तो अभी आए तो पहले क्यों दे दिया, बेचे हैं मेरा। मेरा मम्मा जब आएगा नया तब उसी दिन जाएगा, उसको बोल देना उसको लेना हो तो लेना, नहीं तो मत जाए। पैसे दे क्या मुझे दे दो पैसे। अच्छा मेरे को लगा कि तू नया वाला बैठे हो आज ही आ जाएगा, लेकिन नहीं अभी कभी तक नहीं उतरा। अंकल को डांटो मत मनोज भाई, तुम अंकल को तुम डांट रहे हो बेफालतू में। अंकल कैसे हो आप, मां मेरा बेड कब तक आएगा, उनसे बात करो ना। हाँ मेरे को पूरी लैम्बोर्गिनी चाहिए, यहाँ पड़ी हुई भाई। जो बेड है ना वो तो अंकल पहले बिकवा रहे थे, लेकिन अंकल बिकवा नहीं पाए। अंकल को हमने कहा था कि अंकल थोड़ा कमीशन मिल जाएगा आपको, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, कमीशन नहीं मिलता है तो क्या हुआ, एक फ्लैग जरूर मिल जाएगा। ओ, किसी का काम हो जाए वो सबसे अच्छा। आप खुश हो ना बहुत, लेकिन खुश कब होगी, तो मेरा बेड आया मैं उस दिन तो पूछो ही है ना, उस दिन पटाखे फोड़ोगे आप। अभी मैं नीचे गया निकलने के लिए, और मेरे बस की नहीं हुई, मेरी पूरी ना नाक पूरी लाल हो गई, मेरे पूरे कान लाल हो गए। 46-47 के अंदर ना तो ये मतलब है नहीं, मतलब जाने का एसी नहीं काम करता यार, मतलब बाहर की बात तो छोड़ ही दो, एक नॉर्मल धूप में घूमना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भाई। सल्यूट है जो लोग काम कर रहे हैं ना इतनी तपती गर्मी के अंदर, भाई मेरे बस की नहीं है। मैं नीचे गया अभी जो बेड लेने आए थे ना, अभी क्या हुआ सीन के साथ में कि बेड जैसे ही लेने आए तो नीचे जो मनोज भाई उन्होंने उनकी हेल्प करी थी, तो उन्होंने बोला कि भैया थोड़ा कुछ टिप वगैरह दे दो मेरे को, तो उन्होंने सीधा मुंह मना कर दिया, जबकि भाई मनोज भाई ऊपर और अंकल साथ में नीचे लगे पड़े हैं और काम करवा के नीचे लेके जा रहे हैं बेड को, लेकिन नहीं बेफालतू में। मतलब भाई मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप कुछ खाना ऑर्डर करते हो इन दिनों ना, चाहे रात हो चाहे दिन हो, आपके घर पर कोई कोरियर वाला बंदा आता है, कोई Zomato वाला बंदा आता है, कोई स्विगी वाला बंदा आता है, तो उनको आप एक पानी का ग्लास ऑफर कर दो ठंडा भाई, उससे वो बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएंगे लिटरली। तो मैं बस ये चीज़ बोलता हूँ कि हाँ यार, जब भी कोई आपके घर में आए या कहीं से भी कोई बाहर से आ रहा है, तो बस उनको एक पानी का ग्लास ऑफर कर दो, बिकॉज जो हीट हम खुद नहीं बियर कर पा रहे वो ये लोग बियर कर रहे हैं आपके लिए। व्हाट्स अप गाइस, ये है अब नेक्स्ट डे, और अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल अपना लेने के लिए UK वाला वीज़ा वाला पासपोर्ट। तो आई एक्चुअली गेव माई पासपोर्ट 2 weeks अगो, एंड मैं ऐसा था बड़े दिनों से कि यार पासपोर्ट आ क्यों नहीं रहा, ऑल्दो दे सेड कि 15 डेज लगेंगे वर्किंग डेज, बट एक ऐसे ही मैंने होता ना एक दिन पहले, अब मेरे को उसी दिन मेल आ गया कि हाँ यू कैन कम एंड कलेक्ट योर पासपोर्ट एट VFS ग्लोबल। तो मैं भी जा रहा हूँ क्राउन प्लेस में, इसलिए अभी जा रहा हूँ सुबह 8:30 बजे, वैसे 9 बजे मेरे को वहाँ पहुँचना है, क्योंकि दोपहर को जाऊंगा ना इतनी गर्मी होती है 47-46 डिग्री सेल्सियस, तो अब इतनी गर्मी लगती है, तो इसलिए अच्छा अभी घर जाऊंगा पासपोर्ट लेकर के फिर सो जाऊंगा, फिर उठूंगा शाम को अपना आराम से, सबसे बेस्ट यही है, बस फिंगर्स क्रॉस्ड वीज़ा लग गया हो। सेकंड रीज़न अभी जाने का ये है कि अच्छा खासा वेदर है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, क्या अभी 38 हो रखा है, 46-47 तो अच्छा ही है, और थोड़ी ना रोड खाली मिलती हैं, नहीं तो फिर दोपहर को थोड़ी ज़्यादा भीड़ वगैरह बढ़ जाती है, तो टाइम ज़्यादा लगता है पहुँचने में। अभी क्या मतलब मेरे हिसाब से मैं 10:30 बजे अपने घर पहुँच जाऊँगा, अभी 8:30 बजे हैं। मैंने जान के पहन रखे हैं चश्मे, मेरी आँखों में नींद बैठी पड़ी है, मेरे को बहुत तेज़ की नींद आ रही है एक्चुअली, बट जा भी रहा हूँ यार, नींद ख़राब करी है पूरी रात सोया हुआ, तो इसलिए अभी जा रहा हूँ, ताकि अंकल मेरे को फिर बोलेंगे 2 बजे चलना है, और फिर अपनी नींद ख़राब करूँगा, एक बार में सो जाऊँगा आराम से, फिर उठूँगा और इसी बहाने व्लॉग भी बन जाएगा, सही है ना, ताकि आप लोग थोड़ा दिन भी देख लो वीडियोस के अंदर, नहीं तो हमेशा मैं शुरू करता हूँ रात को, मतलब शाम को, फिर इतनी में रात हो जाती है। तो ये भाई बाहर ऐसा होता है, मैं इसके बस जा रहा हूँ, अभी अंदर एक पर्ची मिलती है वो लेके जानी होती है। इट्स हेयर गाइज,
कि आ चुका मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट। थोड़ी वो भी ना थक थक सी हो रही है गाड़ी में जाकर खोलता हूँ। यहाँ पे सारे एम्पोरियम्स हैं, हिमाचल, नागालैंड, कश्मीर, सारे के सारे एम्पोरियम्स हैं। अभी जो मेरा पड़ा था ना घर, तो यहीं पे आके शॉपिंग करी थी। ओके भाई, मेरे को इससे बेटर फ्रेम कोई मिला नहीं, स्टेयरिंग के इधर ही रख दिया मैंने। ये एम्बेसी ही सील करके देती है, तो इवन जो VFS वाले इनको भी नहीं पता रहता कि वीज़ा है कि नहीं इसके अंदर। ओके, फिंगर्स क्रॉस्ड, डर लग रहा है थोड़ा सा। प्लीज़ 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 भाई, क्रेजी। ओके गाइज, वी हैव आवर वीजा ओवर हियर नाउ। देखो यार, ये रही पैटीज और ये केक, मम्मा के लिए पैक करवा रहा हूँ। मैं इस वाली शॉप पे ना, ये जेल रोड वाली शॉप पे बहुत टाइम से आ रहा हूँ, मतलब 10-15 साल से। ये वाली शॉप बिल्कुल कोने पे है, रणबीर बेकरी। भाई मैंने तो केक ले लिया मम्मा के लिए, मम्मा को पसंद है कुछ ड्राई केक वनीला वाला, तो वो ले लिया। और अपने लिए पैटी और एक सैंडविच। वैसे ना गर्मियों में सैंडविच ऐसे थोड़े ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ठीक है। चलो यार, मिट्टी की तरह बिल्कुल टैंक्स ही लगती है रोड पे खड़ी हुई ना, इसकी रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा सही है। हाँ तो मम्मा, आपकी वो ड्रीम कंट्री है वैसे। आप कहते हो एक स्विट्जरलैंड और बोलो। हाँ, इंग्लैंड, लंदन जाना है मतलब आपको। तो अभी यहाँ पे मैंने मंगवाया मिनी समोसा, ये इसमें चीज़ कॉर्न की फिलिंग है। मम्मा ये बोलती है कि जो कटलेट्स है ना, इनको मैं चीज़ में डलवाया कर कभी भी। लेकिन मम्मा नहीं, मज़ा नहीं आता ना, वो चीज़ बॉल्स वाली फीलिंग नहीं आती। नहीं मम्मा, मेरे को वही खाने चीज़ वाले। इन्जॉय मैं करूँगा, लेकिन मैं चीज़ के साथ ही करता हूँ ना, मेरे को चीज़ ही खानी है साथ में। वैसे मम्मा आपको बड़ी तीखी चीज़ें खाने का शौक है, ये वो, वैसे क्या आपको ये क्या है। मम्मा चीज़ हमेशा शुरुआत से अवॉइड करती है, लेकिन मम्मा चीज़ के बिना तो मज़ा है ही नहीं। मैं आपके लिए ईद बनवाता हूँ ना, चीज़ के लिए ही बनवाता हूँ, क्योंकि चीज़ बॉल्स की फीलिंग है। ये आ गए हैं बन के कटलेट्स। आई एम डॉन। ये अच्छा है, ठीक हो गया ना। ये जो होती है ना चीज़, दूध के चक्कर में ना ये पूरे कच्चे हो जाते हैं, पूरे कच्चे। इसकी और रेसिपी है फिर उसी का ना मम्मा, चीज़ बॉल्स वाली। चीज़ बॉल्स वाली अलग रेसिपी है, उसमें मैदा इसमें रोल रोल कर लो, मतलब को देना नहीं चाहती, को हेल्दी नहीं। अरे हेल्दी नहीं तो क्या हो गया मम्मा, कभी कभार तो बना सकते हो चीज़ बॉल्स। आज की पूरा दिन ना ऐसा ही रहा है कि यार मैं ज़्यादा सो नहीं पाया, क्योंकि मैं अपने घर आया था 12:30 बजे। आई थॉट कि 10:30 में ही अपने घर आ जाऊँगा। फिर घर आकर के पापा का एक काम था, वो वाला काम कर रहा था कुछ, अपना पैन कार्ड का कुछ काम था। तो वो काम करने के बाद में मेरे को नींद नहीं आई, फिर मैं सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ। और अब जा करके मेरे को थोड़ी नींद आनी शुरू हुई है 2 बजे। आज मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि जल्दी ही सो जाऊँगा, बट अपना जो UK का वीज़ा है वो आ चुका है। एंड येस, वी आर गोइंग टू ट्रैवल UK वेरी वेरी सून नाउ। मतलब जब तक अगर वीडियो देख रहे हो ना, शायद मैं जब तक लंदन में हूँ। तो मेरे को फॉलो करो, जो कि है YPM Vlogs, एंड खत्म करते हैं अपने आज के ब्लॉग को यहीं पर ही।